हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। आर्थिक सुधारों के बाद भारत में लोगों की आमदनी में असमानता तेजी से बढ़ी। भारत में आय की असमानता ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गई है। एक अध्ययन के अनुसार 0.1% सबसे अमीर लोगों की संपदा 50% सबसे गरीब आबादी की कुल संपत्ति से भी ज्यादा हो गई है। वर्ल्ड इनइक्वेलिटी लैब के अध्ययन में कहा गया है कि वर्ष 1980 से आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ रही है। उसके अध्ययन में कहा गया है कि इस अवधि में असमानता 1947 में देश की आजादी के बाद के 3 दशकों के रुझान से विपरीत है। इन 3 दशकों में असमानता कम हुई थी। देश के 50% सबसे गरीब लोगों की आमदनी राष्ट्रीय औसत से कहीं तेज रफ्तार से बढ़ी थी। यह रिपोर्ट अर्थशास्त्री फेकुंडो एल्वारेडो, लुकास चैनसेल, थॉमस पिकेटी, इमैनुअल सेज और गैब्रियल जुकमैन ने तैयार की है। इसमें पिछले 40 वर्षों में ग्लोबलाइजेशन के असमान असर को दर्शाया गया है। यह अध्ययन आय और संपदा में असमानता के सबसे विशाल आंकड़ों पर किया गया है। इसका उद्देश्य आर्थिक असमानता पर वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक बहस के जरिए इन तथ्यों से दुनिया को अवगत कराना है। इसके लिए नवीनतम और भरोसेमंद आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया है।